सेक्स और ब्लैकमेल के बाद एक 24 वर्षीय प्रेमी की प्रेमिका ने बेहोशी की ओवरडोज इंजेक्शन देकर की हत्या। एक प्रेमिका द्वारा बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी गई है। बेहोशी का इंजेक्शन इतनी अधिक मात्रा में दी गई कि युवक चंद सेकंड में ही दम तोड़ दिया। मृतक युवक प्रकाश कुमार मंडल स्थानीय लाइन बाजार के एक इंद्रप्रस्थ पैथोलॉजी में कार्यरत था। वह सदर थाना क्षेत्र के सरना चौक के पास अपने मामा के साथ रहता था। वह मूल रूप से अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के दनगामा का निवासी था। बीते 16 जून को वह घर से पैथोलॉजी जाने के लिए निकला था, तब से गायब हो गया था। उसका मोबाइल भी बंद था। प्रकाश के गायब हो जाने के बाद उसके मामा आनंद मंडल द्वारा गुमशुदगी का आवेदन सदर थाने में दिया गया। इस घटना के करीब 20 दिन बाद अनुसंधान में जुटी पुलिस द्वारा उसके शव का आशीष अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। बुधवार को सदर थाना परिसर में सदर SDPO पुष्कर कुमार ने गायब हुए प्रकाश मंडल की हत्या का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रकाश मंडल के गायब हो जाने के बाद उसके बंद मोबाइल का अंतिम लोकेशन रानीगंज थाना क्षेत्र था। मृतक के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल खंगालने के बाद एक नंबर पर लगातार बातचीत हो रही थी। मृतक के मोबाइल से इसी नंबर पर अंतिम बातचीत भी हुई। उक्त नंबर का पता लगाया गया जो एक युवती का निकला। ये युवती मृतक युवक के साथ लाइन बाजार के उसी लैब में काम करती थी जहां ये युवक काम करता था। युवक के हत्या मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती कटिहार जिले के मनिहारी की रहने वाली है। इसी लैब में कार्यरत दूसरी युवती ने उसे यहां काम पर लगवाया था। मृतक ने दोनों युवती से संबंध स्थापित कर रखा था। मृतक ने मनिहारी की रहने वाली युवती के साथ शारीरिक संबंध कर उसका नग्न तस्वीर मोबाइल में कैद कर लिया था। इस नग्न तस्वीर को उसने डिलीट करने के लिए मृतक से कई बार आग्रह किया, परंतु युवक लगातार नग्न तस्वीर को वायरल करने की धमकी देकर युवती से गलत काम करा रहा था, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए युवती ने प्लानिंग कर युवक को रानीगंज के वर्तमान में कार्यरत अस्पताल डी प्लस इमरजेंसी हॉस्पिटल में बुलाया। बाद में युवक को हॉस्पिटल के बगल में सुनसान झाड़ियों में लेकर गई। युवती पहले से ही 10 ml के सिरिंज में बेहोश करने वाली इंजेक्शन को भर कर रखा था। झाड़ी में युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के क्रम में बेहोशी की दवाई से भरे इंजेक्शन को युवक के शरीर में इंजेक्ट कर दिया, जिससे युवक बेहोश होने पर बड़बड़ाने लगा तो युवती ने पुनः एक और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे दवाई का ओवरडोज होने के कारण युवक की मौत हो गई। युवक के मृत्यु के बाद युवती वहां से युवक का मोबाइल लेकर निकल गई, जिसमें उनका नग्न तस्वीर कैद था। उस मोबाइल को नदी में फेंक दिया और दूसरे दिन अपने घर कटिहार में बहन की शादी अटेंड करने चली गई। जब युवती शादी से वापस लौटी तो जाकर देखा युवक का शव पूरी तरह से सड़ चुका था। युवती ने शव के पास से हड्डियों के साथ कपड़ों को एकत्रित कर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। इस खुलासे के बाद पीड़ित परिवार में मातम पसरा है। आइए देखते हैं इस खबर में। विगत दिनों 16 तारीख को एक लाइन बाजार क्षेत्र से इंद्रप्रस्थ क्लिनिक में एक लड़का काम करता था, प्रकाश मंडल, जो रहने वाला था पलासी के धनगावा गांव का, लेकिन यही पूर्णिया में डेरा लेकर रहता था और यह मिसिंग हो गया था, लापता था। उस संबंध में मिसिंग FIR सदर थाना में दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक इसके सफल उद्भेदन के लिए एवं उसके सफल बरामदगी के लिए एक टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया, जिसमें सदर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, उसके बाद धर्मेंद्र अधिकारी इसके को शामिल किया गया। इसमें हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तो उसका लास्ट लोकेशन जो है वो रानीगंज आया था, प्रकाश मंडल का, मृतक का जो अभी ये है। तो प्रकाश मंडल का जब लास्ट लोकेशन आया तो उसके आधार पर हम लोग लास्ट कॉल को डिटेल किए। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से उसमें पता किए तो पता चला कि एक लड़की थी जिससे इसका बार बार बात होता था। उस लड़की के बारे में पता किए तो वो लड़की भी जो है इसी के साथ काम करती थी उसी इंद्रप्रस्थ लैब में, और इंद्रप्रस्थ लैब में वो लड़की के साथ उसकी एक और बड़ी बहन या सहेली थी, वो भी रहती थी।
प्रकाश मंडल नाम है उसका, प्रकाश मंडल एवं एक अन्य लड़की जो उस लैब में काम करती थी उससे इन लोगों का प्रेम संबंध था। उसके बाद प्रकाश मंडल का इस लड़की जो गिरफ्तार हुई है युवती उससे साथ भी संबंध हो गया, इलिशिट रिलेशन हो गया दोनों का। अब कुछ फोटो जो है इस लड़की का प्रकाश मंडल ने जो है वो नेकेट फोटो ले लिया और उसको अपने जो अन्य प्रेमिका थी उसके सुनीता के माध्यम से वायरल भी कर दिया। इसके कारण ये जो लड़की है वो गुस्सा में थी और वो रिक्वेस्ट की कि अपने फ़ोटो तुम इससे डिलीट कर दो, और बार बार इसको अनुरोध की लेकिन वो डिलीट नहीं किया। वो फेक नाम से आईडी बना के वो वायरल करता था, बार बार दो बार कर दिया वायरल। उसके बाद ये लड़की इसको बुलाती है प्रकाश मंडल को कि आओ और हमारा फ़ोटो कम से कम तुम मोबाइल लेके आओ, हमारा डिलीट कर दो। इस पर वो एग्री हो जाता है और एग्री इस बात पर होता है कि हम आते हैं लेकिन एक बार हम तुम्हारे साथ पुनः जो है सो संबंध स्थापित करेंगे, ये करेंगे। लड़की भी तैयार हो जाती है कि ठीक है आओ, और उसके बाद इसको बुलाती है रानीगंज में, और रानीगंज में आती है तो दिन में 3-4 घंटा घूमती है, वो मोबाइल भी ले लेती है लड़की उसका, लेकिन उसका लॉक जो है वो नहीं खोल के बताया। उसके बाद ये दोनों एक सुनसान जगह में चल जाता है, जो घर में चारों ओर जंगल था उसके बीच में एक अर्धनिर्मित मकान था। उस मकान में जाने के बाद लड़की के साथ जो है गलत संबंध स्थापित करता है। उसके बाद जो है वो लड़की अपने कमर में एक इंजेक्शन रखती है जो टेट्रा का के कहता है, टेट्रा जो एनेस्थीसिया का काम आता है, वो इंजेक्शन को 10 ml को दांत के छिपा के रखी थी। और उसके बाद लड़का जैसे ही वहाँ पर लेटा और इसके बाद रेस्ट लिया जैसे ही, बस ये उसके बॉडी में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने से वो तुरंत बेहोश हुआ, बेहोश होने के बाद वो मर गया। मरने के बाद ये लड़की फिर क्या की, उसके डेड बॉडी को उसी सुनसान जगह पर छोड़ के फिर अपने घर चले गई गांव में। शादी ब्याह था, शादी ब्याह से शामिल होकर अटेंड करके 10 दिन के बाद आई, तब तक बॉडी डिकम्पोज कर गया था और उसका हड्डी उड्डी घड़ी और कुछ जींस पैंट ये सब था, उस सबको एक बोरा में, ये दस्ताना जस्ट बगल में हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल में ही काम कर रही थी, तो पल्स हॉस्पिटल से दस्ताना उस्ताना उसको अवेलेबल हो गया, लेके आ बगल के एक अन्य बाउंड्री वाल घेरा हुआ खाली स्थान था, उस स्थान पे जाकर वो पेट्रोल लेके उस सारे चीज़ों को आग लगाया, हड्डी को भी जलाने की कोशिश, कपड़ा को भी, तो कुछ जला कुछ अर्ध जला हुआ सामान की बरामदगी हुई है। लड़की ने स्वीकार किया, इसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वहाँ पर उसका अवशेष अस्थि है जिसको हम लोग FSL टीम से जांच करवाएं, FSL टीम के द्वारा जो प्रदर्श को जब्त किया गया उसका FSL से जांच रिपोर्ट करवाएंगे, DNA टेस्ट करवाएंगे, और उसमें जो है अन्य बिंदुओं में भी पता चला है कि वो मोटरसाइकिल बाइक वहाँ छोड़ दिया था और मोबाइल जो है लड़की वहीं पास में एक नहर टाइप का नदी बहता है उसमें फेंक दी थी, तो इस सब भी अन्य बिंदुओं को छानबीन और खोजबीन की जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टिया यही है कि ये जो है मामला फोटो वायरल लेने के कारण आक्रोशित होकर ये घटना को कारित की है, और परिजन ने भी कपड़ा से और अन्य चीज़ें घड़ी से उसकी पहचान उसके परिजन लोगों ने की है, उन लोगों भी घटनास्थल पर गए। ये लड़का धनगावा पलासी थाना अंतर्गत का रहने वाला था, लेकिन यहीं इंद्रप्रस्थ में लैब में काम करता था, यहाँ से 4-5 साल से ये काम कर रहा है। लड़की कहाँ पे, लड़की कहाँ की, लड़की कटिहार जिला के रहने वाली है। कृत्यानंद विश्वास दुरतैली है सर, अमोर है। यहाँ काहे के लिए आए हुए हैं? यहाँ पर मेरा भांजा नाती जो है 16 तारीख को गुम हुआ था, जो आवेदन सदर थाने में दिया गया था, तो इसी के क्रम खोजबीन के लिए हम यहाँ। क्या जानकारी मिला आपको? लास्ट मतलब कि एक लड़की को उठाया गया है सर पुलिस के माध्यम से ही, तो पता लगा कि एक मार करके उनका हड्डी उड्डी सारा कुछ भस्म कर चुका है, हमें न्याय चाहिए बस। काहे मारा लड़की, काहे मारा? अभी ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वो लड़की ही बताएगी। लड़की बता रही है कि उसका जो नंगा फोटो वायरल कर दिया सर। सर ये तो हमें नहीं मालूम है, पुलिस आपको कुछ आए तो थाना बताई होगी ना, बताई होगी ना कुछ? नहीं, ये सब कैसे हत्या हुआ, क्या हुआ, ये सब हमको नहीं। भाई मतलब लड़की तो बता रही है कि उसका जो है ना उसका संबंध किया और नेकेट फोटो जो है ना वायरल कर दिया था। सर ये चीज हमको नहीं मालूम। क्या नाम था? मातिका। प्रकाश कुमार। क्या करता था ये सर? पैथोलॉजी में काम करता था। कहाँ? लाइन बाजार में। कितने साल से? सर ये करीब करीब रखे ना 10-12 साल से। कहाँ के निवासी हैं हम?
अमोर प्रखंड के दुपैली गांव के निवासी हैं।